Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, तर्मश बहराल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस विल बी डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो इस व्लॉग में मैं आपको लेके जाऊंगा हाजा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि इस्लामाबाद में है, एक यूनिवर्सिटी है। इस्माइल सर के साथ हम गए थे, हम का मतलब पूरा पलटून, सही है, मतलब हम गए थे सारे। तो मैंने अभी तक एडिट नहीं किया था क्योंकि काम बहुत ज्यादा था, सही है। तो मैं अभी ये एडिट कर रहा हूँ, वॉच टिल वेरी एंड, अगर मजा ना आए तो फिर बता देना, सही है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस विल बी डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज हम किसी इवेंट पे जा रहे हैं, पता नहीं कौन से इवेंट पे जा रहे हैं, एज यूजुअल आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। नाश्ता करके आए हैं, नाश्ता आपने सिनेमेटिक देखा ना, तो आज हम पता नहीं कौन से इवेंट पे जा रहे हैं, तो उधर इवेंट में मिलते हैं। सही है। Today's gonna be a good day. Wake up. तो हेलो जी, हम आए हैं आज़ा यूनिवर्सिटी। अपनी तो मैं छोड़ के आया हूँ, लेकिन इधर पता नहीं अब तक मैं कितनी यूनिवर्सिटी चेक कर चुका हूँ। और यहाँ पे होती है वर्कशॉप, होती है इवेंट्स, होती है नॉलेज, यहाँ भी गेन हो रहा है। ये नहीं कि मेरा नॉलेज नहीं गेन हो रहा, लेकिन ये नॉलेज है अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग, अमेज़ॉन, जो भी होते हैं ना, मतलब ऑनलाइन चीज, आईटी की चीज़ें होती है। तो अभी आज का इवेंट है, इस्माइल सर का वर्कशॉप भी है, इवेंट भी है आई थिंक, और हिशाम सर भी आए हैं। तो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते, अंदर की सीन आपको दिखाते हैं। सही है। ओके, ठीक है, बाय। एवरी डे कॉल इट रेप्लिकेशन। वेक अप, टुडेस गोना बी अ गुड डे। वेक अप, टुडेस गोना बी। तो हाँ भैया, इवेंट भी हो गया, आई थिंक इवेंट नहीं था, वर्कशॉप था। तो वो वर्कशॉप अभी चल रहा है, सही है, तकरीबन 2-3 घंटे का है। तो तब तक मेरी नमाज कजा होनी है, तो इससे बेहतर है, मेरा नॉलेज गेन हो रही नहीं, लेकिन ये इस्लाम कैंपस, तभी नमाज पढ़नी है। अच्छा बच्चा हूँ मैं, सही है, नमाज पढ़ के फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। ओके, भैया जी ये सब कुछ चलता रहेगा, ये ज़िंदगी है, और ज़िंदगी में आप मेहनत करते रहोगे तो ही आगे बढ़ोगे, सही है। मैं एक बात बतानी थी, और बात ये है कि 5 वक्त का नमाज अगर पढ़ोगे ना, शायद नहीं कन्फर्म, मतलब एग्जैक्टली अल्लाह तुम्हें कामयाबी देगा। और ये मेहनत की बात हुई, तो मेहनत तो तुम करोगे मरते दम तक। आपने एक काम करना है कि मेहनत के साथ साथ हर रोज 5 वक्त की नमाज आपने आपसे वादा करना है कि मैं पढ़ूंगा, और इंशाल्लाह दुआ करूंगा कि भाई या अल्लाह मुझे कामयाब करे। मैं भी करता हूँ, आप लोग भी करें। तो यस, ये बात बतानी थी कि 5 वक्त अगर नमाज पढ़ोगे ना, तो कामयाबी इंशाल्लाह आपके मुकद्दर होगी। तो ये थोड़े इस्लामिक टच भी होना चाहिए ना मेरे ब्लॉग में, किसी ने कहा था। खैर, एनीवे, सी यू, अभी अंदर चलते हैं। एवरी डे कॉल इट रेप्लिकेशन। वेक अप, टुडेस गोना बी अ गुड डे। 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 तो यार ब्लॉग आपने देखा, आपने एंजॉय किया होगा, सही है, आपको मज़ा आया होगा। तो अब मेन मुद्दे पे आते हैं, सही है, मेन मुद्दा ये है हमारा, आवाज़ पता नहीं कैसे आ रही है, आई डोंट नो। तो मेन मुद्दा ये है कि मैं अपना घर बार, स्कूल, कॉलेज, स्टडी, बड़ी सब कुछ छोड़ के आया हूँ, सही है। और इधर एक और बात भी है, हिशाम सरवर सर ने मेरी वीडियो देखी थी, तो उन्होंने मेरे को कुछ कहा था, सही है, सर ने जो कहा था ना, अब मैं वो इधर ऐड नहीं करूँगा, सही है, उसके लिए आपने नेक्स्ट ब्लॉग देखना है, सही है। ये पार्ट वन है, हम 2 दिन के लिए गए थे, वर्कशॉप डे 1 एंड वर्कशॉप डे 2, तो वो नेक्स्ट ब्लॉग में आप देख लेना, सही है। तो मैं बात कर रहा था कि हमारा इधर गेनिंग हो रहा है, मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ, मेरी वीडियो एडिटिंग इम्प्रूव हो रही है, मेरी कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो रही है, मेरी उर्दू अच्छी हो रही है, मेरा मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे अच्छे हो रही है, मेरे ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, मैं बड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ, मेरे को जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ, तो ये मेरा एक्सपोजर है, सही है। तो अब नियम पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं कि आप क्या करें, सही है।
मैं अभी मेरा सेवन सेमेस्टर चल रहा है, अभी मेरा एग्ज़ाम में कच्चा एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं ना, वो मेरा इसमें एक पेपर फेल हो गया, खैर वो अभी पास हो गया है, तो अभी फाइनल एग्ज़ाम आ रहा है। सही है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि भैया आप तालीम के साथ साथ ये ऑनलाइन चीज़ों में भी आ जाए। सही है, वीडियो एडिटिंग सीखे, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी डिज़ाइनिंग, जो आपको पसंद है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। सही है, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप यू गाइस एंजॉय। अगर पसंद आ रहे हैं ऐसे छोटे छोटे ब्लॉग तो लेट मी know in the comment section, okay, and take care. अच्छा, एक और बात थी जो कि मैंने बतानी थी कि आजकल के ज़माने में जो सिचुएशन हो रहा है पाकिस्तान का ना, तो किसी को भी डिग्री नहीं चाहिए भैया। सही है, तो स्किल चाहिए हर किसी को, तो बस सीख लो जो भी आपने करना है, जो भी आपका इंटरेस्ट है। मिलते हैं नए ब्लॉग में, ओके। और ये हमारा कमरा है वीडियो एडिटिंग का, ग्रे ग्रे ग्रे, सब कुछ ग्रे ही ग्रे, जो बात है।